उत्तर प्रदेश में भाजपा के परिणामों को लेकर जिस परिणाम की उम्मीद थी वैसे परिणाम आए नहीं, लेकिन जनता का मैं अभिनंदन करता हूं, ऐसा कहना है भूपेंद्र चौधरी का। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, तीसरी बार सरकार बनने का मौका जनता ने दिया। हमने जो संकल्प लिया था उसे सब मिलकर पूरा करेंगे। उपचुनाव को लेकर कहा, संगठन मजबूत स्थिति में उपचुनाव के लिए तैयार, संगठन की रचना पूरी कर रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा पूरी तैयारी के साथ उतरेगी चुनाव में। हमें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता का भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, जिस स्थिति में हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, हम लोग आपस में बात करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कमियां रह गई उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की घोषणा को लेकर कहा कि यह मेरे लिए अच्छा अवसर है कि मुझे इस वक्त पार्टी आने का मौका मिला है। मदन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, कांग्रेस पर आरोप लगाए, दुकानों के बाहर दुकान मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने का मामला भी बोला। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नाम लिखने का अधिकार है, लेकिन लंबे समय से इसे लागू नहीं किया गया। बड़ी संख्या में लोग कावड़ हरिद्वार से लेकर निकलते हैं, यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी पालना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी के विषय में पार्टी के विचार अधीन होते हैं, ऐसा कहना है भूपेंद्र चौधरी का। हम उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा को लेकर भी कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए भी कहा, कांग्रेस ने न केवल नेगेटिव एजेंडा सेट कर रखा है, कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। आज देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस नेगेटिव एजेंट को समझ रही है। आज प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी आस्था और परंपरा को लेकर आगे चल रही है। हमारे लिए आस्था की बात है, 500 साल के बाद अयोध्या का निर्माण हुआ। हम आस्था और परंपरा के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जय और पराजय होती रहती है, कुछ कमी हमने रही होगी, हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। आज का दिन उन वीर शहीदों के लिए है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान करके भारत को एक विजय दिलवाने का काम किया है। मैं उनको सभी उन वीर शहीदों को, उनके परिवारों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, भारत के वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने बातचीत करके उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जिस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा कर रहे थे उस परिणाम वैसे नहीं आए हैं, लेकिन मैं देश की महान जनता का अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ उनके निर्णय का। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना नेतृत्व सौंपने का काम किया है। हमारे लिए इसलिए भी बहुत आनंद का क्षण है। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, इसे तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने दिया है और मुझे विश्वास है कि हमारा जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसे हम सब लोग मिलकर पूरा करें। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। उसमें से 9 लोग माननीय विधायक सांसद बने हैं और एक समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक को माननीय न्यायालय के द्वारा सजा हुई है, इसके कारण उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से अपने प्रभारी संयोजक सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को ये काम दिया है और संगठन की रचना हम लोग पूरी कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से जैसे भी आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग उपचुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ें। मेरे लिए बहुत सुखद क्षण है कि आज मुझे भी यहाँ आने का अवसर कार्यालय पर मिला है, माननीय अध्यक्ष जी को राजस्थान में पार्टी की आगे संचालन की जिम्मेवारी मिली है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं, परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हार के कारणों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कारण निकल के आए हैं और क्या इसके ऊपर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे 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 प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है। विशेष तौर पे भले विपक्ष का एजेंडा हो लेकिन हार तो हुई है और अयोध्या और वाराणसी के कॉरिडोर को देखिए काफी कुछ बदल नहीं है, उनको किस तरह से? ये मैंने बताया निगेटिव एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा, आस्था, विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और बनारस सहित बनारस या मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी देवी का कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, और हम लोग को जनता ने चुना है और निश्चित रूप से हमारी आस्था, विरासत और परंपरा हमारी प्राथमिकता में है। भाजपा उसी आधार पर आगे बढ़ रही है, उसी एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने चुनाव का कहा, लोकतंत्र में जय पराजय होती है, अंतिम निर्णय जनता को करना होता है। हो सकता है कि कुछ कमी हम लोगों से रही हो कि हम अपनी बात लोगों को ना समझा पाए हो, विपक्ष का जो निगेटिव एजेंडा है वो प्रभावी रहा हो, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे।